बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और सेहत तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। मेरी तरफ़ से आप लोगों को ढेरों ढेर ईद की खुशियाँ मुबारक हों और सब लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों की सबकी ईद कैसी गुजरी और ईद पे आप लोगों ने क्या क्या जो है कौन कौन सी डिशेज स्पेशली वो बनाई हैं ईद वाले दिन। बाकी हाउसवाइफ का आपको पता ही है कि ईद का दिन तो बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी गुजरता है, तो इस वजह से मैं कल ये व्लॉग अपना अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैंने अपना जो 29वें और 30वें रोज़े का जो व्लॉग है ना वो अपलोड करना था ईद वाले दिन, लेकिन माशाल्लाह मसरूफियत इतनी ज़्यादा, मेहमान आए हुए थे, तो बस इस वजह से जो है ना मैं किसी भी किस्म का कोई व्लॉग अपलोड कर ही नहीं सकी। तो इस वजह से जो है मैंने वो वाला व्लॉग कल अपलोड किया और अब ये मेरा ईद का डे 1 का जो व्लॉग है ना वो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ अपनी कुकिंग ही शेयर करूँगी। सबसे पहले तो दूध दुलारी मैंने बनाई है। दूध दुलारी तो मेरे घर में मस्त बनती है क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये मैं आप लोगों के साथ 30वें रोज़े की जो है ना वीडियो वो शेयर कर रही हूँ। चिकन जो था वो भी मैंने ला के कोई 3-4 दिन पहले ही ला के ना साफ़ करके तो उसे मैंने फ्रीज़र में रख लिया था, स्टोर कर लिया था। तो फिर 30वें रोज़े को मैंने सुबह ही ना मॉर्निंग में सहरी में ही जब रोज़ा रखा ना तो मैंने निकाल के इसे बाहर रख दिया था चिकन को और वो दोपहर तक मेरा चिकन डीफ्रोस्ट हो गया था। और फिर बस मैंने इसको जो है ये वाला मैंने इस तरह पीसेस करवाए हुए थे 1.5 मुर्गी के चेस्ट पीस, क्योंकि मेरे घर में हड्डी वाला जो गोश्त है ना लेग पीस वाली साइड वो कोई भी नहीं खाता, तो इस वजह से फिर मैं ब्रेस्ट ही ले आती हूँ, चिकन ब्रेस्ट। तो उसके जो है ना मैंने करवा लिए थे 6 पीसेस करवा लिए थे और बस यहाँ पे इसकी मैरिनेशन रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दही लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और जो कुटी हुई लाल मिर्च है ना क्रश चिली होती है वो ली है और साथ में इसके अंदर मैंने धनिया और ज़ीरा पाउडर डाला है। आपके पास अगर नींबू है तो 4-5 नींबू का रस डाल लें, 3 से 4 टेबलस्पून, और अगर नींबू नहीं है तो 3 से 4 टेबलस्पून वाइट सिरका डाल लें और बस अच्छी तरह से मिक्स करें और इस मसाले को अच्छी तरह से लगाएं। जो इसके मैंने कट लगाए हुए हैं उसके अंदर भी अच्छी तरह से लगा के तो इसको ओवरनाइट के लिए रख दें। अब मैंने क्योंकि ये 30वें रोज़े की तकरीबन अफ्तारी से पहले ये मैंने सारी ना प्रेपरेशन करके रख ली थी, तो बस इसको मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद मैंने साथ साथ अपने अफ्तारी की जो तैयारी थी वो भी कर ली थी और फिर रात के टाइम जो था ना मैंने अपने सालन की जो प्रेपरेशन थी वो मैं स्टार्ट मैंने कर दी थी। यहाँ पे मुगलाई हांडी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर जो है ना उसे भून लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। साथ में मेरे प्याज जो हैं वो भी हो रहे हैं, ब्राउन मैंने कर लिए हैं क्योंकि मुगलाई हांडी के अंदर जो है ना प्याज को फ्राई करके ही आपने इसका मसाला बनाना होता है। अब यहाँ पे चिकन ले लिया, चिकन के अंदर मैंने लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो काली मिर्च और बाकी मैंने भुना हुआ ज़ीरा और धनिया जो था ना वो 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाला है और डाल के अच्छी तरह से इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और नींबू जो है ना 4-5 नींबुओं का जूस डाल लिया मैंने और बस इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए ना मैरिनेट होने के लिए आप लोग इस चिकन को छोड़ दें, क्योंकि चिकन जितना ज़्यादा मैरिनेट होता है उतने ही इसके अंदर जो है ना स्पाइसेस इसके अंदर तक चले जाते हैं, तो वो जो है सालन बहुत ही टेस्टी बनता है। छत के ऊपर बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको परिंदों की आवाज़ें भी आएंगी, इस तरह की गाड़ियों की आवाज़ें भी जो है ना वो सुनाई देंगी। अब यहाँ पे इसका बाकी मैं मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने काजू 10 से 11 काजू, 10 से 11 बादाम, थोड़ा सा कोपरा मैंने लिया है और फ्राइड प्याज लिया है और बस जो है इसके अंदर मैंने जो थी ना 3 से 4 टेबलस्पून मैंने भिगो के रखी हुई थी खसकास वो ली है और बाकी थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और 4-5 हरी मिर्चें डाली हैं दही के अंदर। दही भी मैंने जो है ना वो 1 कप लिया है। अच्छी तरह से बस इसको मिक्स करें, बस ये मेक श्योर कर लें कि आपका जो है ना खसकास वो अच्छी तरह से आपकी पीस जानी चाहिए, नहीं तो आप किसी ब्लेंडर के अंदर पीस सकते हैं। यहाँ पे बस उसी प्याज जिस कढ़ाई में मैंने प्याज फ्राई किए थे ना उसी ऑयल के अंदर मैंने जो है 1 कड़ी पत्ता, थोड़े 4-5 या 7-8 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची का जो है पीस और 7-8 लौंगे डाल के तो उनको थोड़ा सा फ्राई किया था। और वो मैरिनेटेड जो चिकन है ना वो मैंने डाल लिया है और इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है ना चिकन को पहले 5 मिनट के लिए फ्राई किया, फिर इसका ढक्कन दे के मैंने कोई मज़ीद 7-8 मिनट के लिए इसे गलने के लिए छोड़ दिया। जब अच्छी तरह गल गया था तो फिर इसके अंदर ये मैंने मसाला डाला है। आप लोगों के साथ वो वाली मैंने वीडियो शेयर नहीं की क्योंकि वो वाला क्लिप मैंने काट दिया है। मैं जब इसके ऊपर ढक्कन लगाती हूँ ना तो सारी की सारी ढक्कन की जो पिक्चर है ना, ढक्कन में स्टील का ढक्कन होने की वजह से उसके अंदर सारी के सारा मेरा अपना जो है ना आ जाता है, फेस वगैरह आ जाता है, तो इसलिए मैंने वो वाला सारा इसका क्लिप काट दिया है। बस यहाँ पे मज़ीद जो है 15-20 मिनट के लिए हमने पकाया सालन को और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन जो था ना वो रेडी हो गया था। और बाकी इसकी जो प्रिपरेशन है इसके ऊपर जो बाकी का करना है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी। और यहाँ पे ग्रेप्स लेके आई थी, ग्रेप्स बहुत ज़्यादा मार्केट से महंगे, इनफैक्ट फ्रूट मिल ही नहीं रहा था और अगर मिला है तो 1200 रुपये किलो के हिसाब से ये जो है ना ग्रेप्स मिले हैं। तो मुझे तो थोड़े से चाहिए थे तो बस मैं 250 ग्राम के बराबर लेके आई हूँ, केले लेके आई हूँ और साथ में मैंने इसके अंदर एप्पल डाले हैं। और आप लोग अगर कैन का फ्रूट डालना चाहें तो कैन फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन आजकल जो कैन का फ्रूट है ना कॉकटेल जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ रही है। पहले मैं 3 kg का जो पैक था ना एक साल पहले वो मैं 1000-1500 तक ले आती थी, लेकिन यकीन करें अब वही जो मैंने 1-1.5 महीने पहले जो मैं 600-700 का लेके आई हूँ ना कैन, 800-850 ग्राम का होता है, वो वाला कैन इस टाइम 1100-1200-1300 में मिल रहा था। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया कि भाई इतना महंगा फ्रूट जो है डालने की हमें क्या ज़रूरत है। मैं सिंपल ये वाले फ्रूट्स लेके आई हूँ और बस यही वाले मैंने काट लिए हैं। बाकी यहाँ पे मैंने एक पूरे का पूरा पैकेट जो था ना अपने इसके अंदर डाल दिया था, जो मैंने अपना कस्टर्ड बना के रखा था। इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है कस्टर्ड की बजाय। आप लोग चाहें तो कोई सा भी फ्लेवर कस्टर्ड का जो आपका फेवरेट है वो डाल सकते हैं। और बाकी आपको पता ही है कि मैंने इसकी कंप्लीट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। इसमें मैं सवैयाँ, जो कलर्ड सवैयाँ होती है ना, वो डाल के पकाती हूँ और बाद में फिर कस्टर्ड डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट्स डाले हैं, इसमें जेलीज जो भी आपकी फेवरेट है वो डाल सकते हैं और मिठाई डालनी होती है, रसगुल्ले और गुलाब जामुन। और बाकी आप लोग जो भी दूध दुलारी में चाहें, इसे लबे शरी भी कहते हैं, दूध दुलारी भी कहते हैं, जो भी चाहें डाल सकते हैं और अच्छा सा गार्निश करें। स्ट्रॉबेरीज़ भी नहीं मिली थी, नहीं तो मेरा डालने का इरादा था वो भी। बाकी इसको जो है मैंने क्लिंग रैप लगा के रख दिया ताकि किसी किस्म की इसके अंदर जो है ना फ्रिज की स्मेल ना जाए, तो इसको डायरेक्ट फ्रिज के अंदर हम लोग रख देंगे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए। और ये जो है ना हमारा मॉर्निंग की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह हम लोग फंगस बना दो आपा, क्या हुआ? सुबह सुबह हम लोग जो है ना ये बॉइल्ड सवैयाँ ज़रूर खाते हैं, सूजी की सवैयाँ हों। तो यहाँ पे बस सिंपल सवैयाँ को बॉईल कर लिया, एक पैकेट को मैंने, और फिर इसको छान लिया है। छान के तो आप लोगों ने इसका कुकिंग प्रोसेस रोकना है, इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के, जिस तरह हम स्पैगेटी या पास्ता के ऊपर डालते हैं। तो मैंने नहीं डाला था, तो मेरी जो थी ना ये सवैयाँ ज़्यादा ही गल गई थी, नहीं तो अगर मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डाल लेती ना तो मेरा कुकिंग प्रोसेस रुक जाना था। बस फिर ढेर सारा इसके ऊपर मैंने मक्खन लगाया। मेरी अम्मी हमेशा जो है ना इसकी सारी लेयर्स को बार बार इसकी अंदर तक जो है ना ज़्यादा सारा मक्खन या फिर देसी घी लगाती हैं और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्ती बनी थी। ये हम लोगों ने, क्योंकि ईद नमाज़ पढ़ने से पहले हम लोगों ने ये खानी होती है। हबीबा आप सबको हबीबा, look at मम्मी। हबीबा का बहुत ही ज़्यादा ऑफ था। जब से मैंने इसे उठाया है, सुबह नहलाया है नमाज के टाइम पे, ना तो इसने अपनी कोई ज्वेलरी पहनी है ना बैंगल्स पहनी है। साविर ने बहुत ही मुश्किल से, बस मैंने इसको ड्रेस पहनाया था और बाकी ज्वेलरी वगैरह मैंने साविर से कहा था इसे पहनाया, लेकिन इसने नहीं पहनी। और सुबह सुबह जब हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, इतना प्यारा मौसम हो गया था, ठंडी हवाएं चल रही थी। और जब नमाज़ पढ़ के वापस आए, ये नमाज़ पढ़ के वापस आने की है वीडियो तो इतनी मज़े की हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, दिल खुश हो गया। खैर जी, यहाँ पे मैं घर वापस आ गई थी, तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ अपने चिकन ब्रोस्ट की, जो हमने मैरिनेट रात को करके रखा था। मैंने सबसे पहले नीचे सॉल्ट डाला है, वो जब मेरा 15 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम के ऊपर उसे रखा था, जब अच्छी तरह गर्म हो गया था तो फिर इसके ऊपर मैंने जाली रख के ना तो चिकन रख दिया था। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ना मैंने मिस्टेक कर दी थी कि मुझे जाली के ऊपर डायरेक्ट चिकन नहीं रखना चाहिए था। ज़ाहिर बात है चिकन के अंदर से जूसेस वगैरह निकलते हैं, तो वो सारे का सारा जो सॉल्ट है ना उसके ऊपर इसके जूसेस चले गए थे। तो आप लोगों ने जब भी इसको करना है, इसके अंदर रोस्ट अगर किसी पतीले के अंदर, कुकर ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने कुकर को बंद नहीं किया था, बस ऊपर एक इसका लिड ही दिया था, नहीं तो बंद नहीं करना आप लोगों ने बिल्कुल भी। तो जो है फिर इसके किसी बर्तन में रख के तो फिर इसको अंदर रखें। और यहाँ पे जो चिकन का सालन जो बना था उसके ऊपर मैंने बस इसको कोयले का स्मोक दिया, फिर इसके ऊपर क्रीम डाली है और लीमू का जूस डाला, अच्छी तरह से मिक्स किया है। और बाद में इसके ऊपर जूलियन कट किया हुआ अदरक, हरी मिर्चें और धनिया और ऊपर से क्रीम डाल के अच्छे से गार्निश कर देंगे और गरम मसाला छिड़क लेंगे। और ज़बरदस्त सा हमारा जो मुगलियाई हांडी थी वो भी तैयार हो गई थी। अब यहाँ पे मैं पास्ता की तैयारी कर रही हूँ, तो पास्ता में मैंने जो थे ना कोई 4-5 टमाटर वो बॉईल कर लिए थे, उसके अंदर फिर प्याज डाला है और साथ में थोड़ा सा सिरका और लहसुन जो था ना वो मैंने डाला है और अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सॉस बन गया था। यहाँ पे ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने 3-4 टेबलस्पून जो है ना मैदे के डाले हैं। अच्छी तरह जब मैदा हमारा भुन जाएगा, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो फिर इसके अंदर जो है ना 1 से 1.5 कप आपने दूध डालना है और विस्कर अपने पास रख लेना है। अच्छी तरह से इसको ना विस्कर की मदद से विस्क करना है। और फिर 1 कप पानी और मैंने मज़ीद 1-1.5 कप पानी डाला था, जो टमाटरों का जिसमें टमाटर मैंने गलाए थे ना वही पानी मैंने सेव करके रख लिया था, वो पानी मैंने इसके अंदर यूज़ किया है कि टमाटरों की जो न्यूट्रिशन थी वो भी वेस्ट नहीं हुई, वो भी हमारे पास्ता के अंदर आ गई है। सिंपल। अब इसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर डाला है और काली मिर्च थोड़ी सी, ओरिगैनो और चिकन पाउडर। आप इसके अंदर अगर आपके पास कनौर चिकन क्यूब्स है तो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो नहीं है तो चिकन पाउडर डाल दें। इट्स ऑप्शनल, चिकन पाउडर भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ना डालें। यहाँ पे प्याज जो है वो मैंने एक प्याज जो थी ना बारीक बारीक चॉप कर ली थी, उसको मैंने इसके अंदर डाला है, फ्राई किया है और चिकन फ्राई कर लिया। और सिंपल इसके अंदर हमारे थोड़ा सा लहसुन भी डाला है और सिंपल इसके अंदर हमारे बिल्कुल आम नॉर्मल हमारे स्पाइसेस जाएंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है हस्ब जायका और थोड़ा सा ही इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली है और ऑरिगैनो डाली है। ऑरिगैनो तो जो है ना वो कंपलसरी है इसके अंदर, क्योंकि ये हमारा मैक्सिकन पास्ता मैं बना रही हूँ तो उसके अंदर ऑरिगैनो का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी नमक जो है 3-4 दफ़ा हमने ऐड किया है, मुख्तलिफ सॉसेज में, वाइट सॉस में भी ऐड किया है, इसमें भी ऐड किया है। तो नमक डालते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है, नमक आपका बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा जो पास्ते का सॉस था ना वो रेडी हो गया था। और बॉईल किया हुआ जो पास्ता जो था ना वो मैंने बॉईल करके पहले का रख लिया था। जब इसको छानते हैं, छान के तो फिर अच्छी तरह से पास्ते को वॉश करना होता है ठंडे पानी में और इसको ऑयल लगा के रख देना होता है ताकि ये आपस में चिपके ना। और फिर जब इसका सॉस रेडी हो जाए तो उसमें हमने डालना होता है। तो इसका जो सॉस, वाइट सॉस मैंने रेडी किया था ना वो वाला क्लिप मेरा मिस हो गया। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 पाव 2-250 ग्राम के बराबर मैंने इसमें चैडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डाला है। आपने वो ज़रूर डालना है, उससे इसका फ्लेवर जो है ना कोई आउट क्लास हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से फिर मैंने इसके ऊपर चीज़ जो था ना शेड किया वो छिड़क दिया था और बस ऊपर से थोड़ी सी ऑरिगैनो छिड़के और क्रश चिली छिड़के। ज़बरदस्त आपका मैक्सिकन पास्ता रेडी है। अवन में इसे थोड़ा सा माइक्रोवेव करें ताकि इसकी जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने जो हमारा था चिकन ब्रोस्ट रेडी हो गया था ना उसको सिंपल दोबारा से गर्म करने के लिए, क्योंकि आजकल मेरा अवन ख़राब है तो उसको दोबारा से गर्म करने के लिए मैंने क्या किया है, कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसका थोड़ा सा मसाला जो हमारे पास ब्रोस्ट का बचा हुआ था ना वो डाला है और बाकी चिकन इसके अंदर रख दिया है। तो आप लोग मसाला डालने वाली गलती ना करना, मेरा क्योंकि मसाला नीचे लग गया था। मसाला पका के एक दफ़ा साइड पे निकाल लें, वो सॉस आपका रेडी हो जाएगा। और बाकी ऑयल डाल के ना तो सिंपल ऑयल के अंदर जो है आपने ये रख देना है। तो ये आप 10-15 मिनट के लिए छोड़े। ये हमारी सेकेंड डे की पिक्चर्स ही हैं, क्योंकि मैं वीडियो तो प्रॉपर नहीं बना सकी। फर्स्ट डे को रात के टाइम ये अम्मी के पार्क की जो है ना वो मैंने बनाई है वीडियो छोटी सी। फर्स्ट डे पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी किचन में, क्योंकि आपको पता ही है कि हाउस वाइफ्स के लिए तो ये फुल डे जो है ना ईद वो किचन डे ही होता है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मेहमान आने की वजह से बिज़ी रही थी। और बाकी जो सेकंड टाइम में फिर हम लोग अम्मी के घर चले गए थे, तो इस वजह से किसी किस्म का कोई जो है ना मैं वहाँ पे व्लॉग या फिर पिक्चर्स भी अपनी नहीं बना सकी। और बस बच्चों ने अपनी खुद ही बना ली थी या फिर कज़न्स वगैरह ने बना दी थी, तो इसी वजह से उनकी पिक्चर्स आ गई थी। और बस यही है मेरा आज का व्लॉग। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।